गौतम गंभीर ने हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली है। 2.5 साल तक राहुल द्रविड़ इस पद पर रहे और टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाकर विदाई ली। द्रविड़ ने गंभीर के लिए खास दुआ की है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला 27 जुलाई पल्लेकेले में खेला जाएगा। टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक नई शुरुआत करने की तैयारी में है। दोनों टीमों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौरे पर है और दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है। श्रीलंका में खेली जाने वाली इस सीरीज के पहले मैच में भारत और श्रीलंका का मुकाबला होगा। दोनों टीमों का मकसद होगा सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना। गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की नवनियुक्त कोच और कप्तान की जोड़ी से भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ शनिवार से 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। गंभीर IPL में अच्छी सफलताएं हासिल कर चुके हैं और सूर्य कुमार खेल के छोटे प्रारूप में कप्तानी करेंगे। टीम में कई युवा खिलाड़ी भी हैं जो इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना है। भारतीय टीम पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी। हरभजन सिंह ने सरकार और BCCI का समर्थन किया था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें गाली गलौज की। विमेंस एशिया कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराया। श्रीलंका अब फाइनल में भारत के साथ मुकाबला करेगी। श्रीलंका के गेंदबाज बिनुरा फर्नांडो को सीने में संक्रमण के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसके बदले में रमेश मेंडिस को स्टैंडबाय खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतक जमाकर कप्तान हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्मृति मंधाना T20 इंटरनेशनल प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं। भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने लंकाशायर के साथ काउंटी क्रिकेट के लिए इंग्लैंड में अनुबंध किया है। वह इस साल का वनडे कप और 2 काउंटी चैंपियनशिप मैच खेलेंगे। यह पहली बार है कि वेंकटेश अय्यर काउंटी क्रिकेट खेलेंगे। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सनत जयसूर्या भारत के विरुद्ध सीरीज के दौरान टीम के अंतरिम कोच नियुक्त किए गए हैं। श्रीलंकाई टीम को आत्मविश्वास की कमी हो गई है, जो उन्हें दूसरी टीमों के समक्ष कमजोर दिखा रही है। जयसूर्या इस सीरीज में टीम के साथ काम कर रहे हैं और भारत के विरुद्ध इसका सकारात्मक परिणाम दिखने की उम्मीद है।